नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पावर न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रभा वाजपेयी। बदायूं में 5 घंटे तक होती रही लूट, 15 लाख के माल पर किया हाथ साफ, पुलिस को भनक तक नहीं लगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भले ही गुंडे माफियाओं को प्रदेश छोड़ जाने की बात कर रही हो, लेकिन बदायूं में क्राइम कम होने का नाम नहीं ले रहा है। चोरी, डकैती, बलात्कार तथा महिलाओं संबंधी अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पूरा मामला बिसौली क्षेत्र में दिसोलीगंज पर स्थित बिजली घर का है, जहां बीते रात करीब 1.5 दर्जन शस्त्रधारी बदमाशों ने 15 लाख रुपए से ज़्यादा के माल पर बंधक बनाकर कई घंटे लूटपाट की। बिजली घर पर रखे बड़े ट्रांसफार्मर को बदमाशों ने अपने साथ लाए ग्राइंडर मशीन से काटकर कई इन्वर्टर बैटरी समेत गन पॉइंट पर ऑपरेटरों को लेकर उन्हें बंधक बना रात के 11 बजे से सुबह करीब 4:30 बजे तक लूटपाट तथा डकैती को अंजाम दिया। इस मौके पर बंधक बनाए गए ऑपरेटरों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता आरिफ खान ने। देखिए क्या कुछ बताया उन लोगों ने। दिसोलीगंज बिजली घर पे एक 5 MVA ट्रांसफार्मर रखा था। रात में 11 लोगों ने घुस करके उसका टॉप कवर काट करके उसकी कॉइल निकाल दिया। ट्रांसफार्मर पूरा डैमेज हो गया, जिसकी रिपोर्ट जो है संबंधित थाने में दर्ज करा दी गई है और थाना इंचार्ज तथा CO ने मौके का मुआयना करके रिपोर्ट दर्ज कर ली है और अति शीघ्र उसका खुलासा करने तथा दोषियों को पकड़ने की आश्वासन दिया। अच्छा, वहाँ पर कर्मचारी मौजूद थे क्या आपके? कर्मचारी, हाँ, ड्यूटी पे रह सकते हो और उसके सहायक दोनों मौजूद थे।